और भाई ने बड़ी अच्छी डिस्पोजिबल प्लेट्स रखी हुई हैं, मतलब कोई धोने धुने वाला सीन पार्ट नहीं है। मैं हमेशा इंडियन स्ट्रीट फूड्स में देखती हूँ कि वो 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये में इतनी बड़ी प्लेट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं लगती 50-60 रुपये की। लेकिन अब माशाल्लाह से आज मैं पता चल रहा है कि भाई हमारे भी पैसों की वैल्यू है। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ खाने, जो कि मेरी फेवरेट है, जिसको हम कहते हैं दाल चावल। दाल चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हलीम भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज भाई से पूछते हैं कौन सी वाली दाल है भाई के पास, कौन से वाले चावल हैं, और ये भाई ने इतना सस्ता लिखा हुआ है, 60 रुपये, 50 रुपये, तो ये वाकई इतने में देते हैं या नहीं देते, वैसे ही लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपके पास क्या क्या होता है? मेरे पास ये नान हलीम, हलीम चावल और मीठे चावल। अच्छा, ये जो आपने लिखा हुआ है 50 रुपये में जर्दा, ये सच है? 50 रुपये में ही है? 50 रुपये का एक पैकेट देते हैं। अच्छा, और ये दाल चावल की प्लेट? दाल चावल की ये डिस्पोजेबल प्लेट होती है, ये हाफ 90 की है, फुल 150 की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो। और वो जो आप कह रहे हैं उसकी प्लेट क्या, अभी हलीम की, वो कितने की रेट पे है? हाफ 60 या फुल 120 है। चल आप ना ऐसा करें, हमें दाल चावल टेस्ट करवा दें छोटी वाली प्लेट में। और भाई ने बड़ी अच्छी डिस्पोजिबल प्लेट्स रखी हुई हैं, मतलब कोई धोने धुने वाला सीन पार्ट नहीं है। भैया आप कैसे मैनेज कर रहे हैं डिस्पोजिबल प्लेट्स भी और फिर इतना सस्ता भी? बस ये अल्लाह बरकत डालता है। और ये आप खुद बनाते हैं या घर में कोई बना रहा है? ये हमारा खानदानी काम है जी। अच्छा अच्छा, ये आपका खानदानी काम है, मतलब आपको ये सब बनाना आता है? जी आराम। अच्छा, मुझे लगा शायद घर से बनवा रहे हैं और यहाँ पे ला के सेल कर रहे हैं, यानी इसके अलावा भी आपको कहीं और भी हो? यही वाला दे दें। और ये इसी के साथ जी हमारी बन गई है प्लेट, और भाई के पास ग्लास भी बहुत प्यारे हैं, रेड से कलर के ना, मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं और साफ सुथरे हैं। और भाई ने इसको उल्टा करके रखा हुआ है ताकि इसमें डस्ट ना जाए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इसके बाद अभी हम जर्दा टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे जहाँ हम जा रहे थे। और ये चटनी भी है भाई, ये चटनी आपने खुद बनाई है? ये स्पेशल हमारी चटनी है पुदीने की। ग्राइंडर में बनाते हैं जी? ये ग्राइंडर। अच्छा ठीक हो गया जी। ये है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी। और भी चीजें डालते हैं? अच्छा, मुझे आज तक सिर्फ तीन ही चीजें पता है, लेकिन भाई ने कहा भाई हम और खास एक रेसिपी है हमारी। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये भाई की सीक्रेट रेसिपी है जिससे वो ये बनाते हैं। चले अब हम करेंगे इसको टेस्ट। यार वाकई ये जो चटनी है ना ग्रीन वाली, इसमें कुछ डिफरेंट है, इसका टेस्ट बाकी चटनियों जैसा नहीं है। ये खट्टी खट्टी सी है, पता नहीं इसमें क्या डाला है, अनारदाना डाला है, इमली डाली है या क्या डाला है, लेकिन बहुत मजे की चटनी है। और इनके चावल भी बहुत मजे के हैं, ऐसे अलग अलग चावल है इतना। और इनकी दाल भी बहुत मजे की है, सारी चीजें टोटल मैनेज करके बहुत मजेदार सी ये चीज भाई ने बना दी है। इतने अच्छे दाल चावल खाए, बड़ी ये भाई। ये हाल रोड है, ये देखे मोबाइलों की मार्केट है, ये 7 ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ये कार पार्किंग है और ये चर्च है पीछे, इसके बाहर हम होते हैं। यहाँ रेट्स मुनासिब होने की वजह से सब आके खाना खा रहे हैं और ज्यादातर ऑटो वाले हमारे यहाँ 60 रुपए की असल वैल्यू ये वाले भाई पूरे कर रहे हैं, जो 60 रुपए में ये इतनी बड़ी प्लेट उन्होंने मुझे दी है, चावलों की, दाल की, सलाद और साथ में चटनी भी। मैं हमेशा इंडियन स्ट्रीट फूड्स में देखती हूँ कि वो 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए में इतनी बड़ी प्लेट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं लगती 50-60 रुपए की। लेकिन अब माशाल्लाह से आज मैं पता चल रहा है कि भाई हमारे भी पैसों की वैल्यू है, लेकिन वो अलग बात है कि वो कोई कोई दे रहा है इतने पैसों में। और माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा था कि पता नहीं 60 रुपए में दे रहे हैं कैसी प्लेट होगी, लेकिन माशाल्लाह सफाई का भी बहुत ख्याल है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है भाई का।